हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। करते हैं वार्डरोब, ठीक है। किसी भी वार्डरोब को कैट में डिज़ाइन करने का क्या प्रोसेस है, उसका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन कैसे ड्रॉ करा जाएगा, डिटेलिंग कैसे करी जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं, हम जो भी इमेज बना रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक इमेज रेफरेंस डाउनलोड करेंगे और उस रेफरेंस को हम कहाँ इंपोर्ट कराएंगे, कैड में। ऐसे क्या होगा कि अगर हम कोई भी फर्नीचर, कोई भी इंटीरियर का कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें बार बार उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, समझने में दिक्कत होगी। तो कैड में हमारे पास एक फीचर्स होता है जो कि मेन्यू बार में एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट में एक ऑप्शन हमें मिलेगा रास्टर इमेज रेफरेंस। रास्टर इमेज रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि हम इस ऑप्शन के थ्रू किसी भी इमेज को डायरेक्टली कैड में ला सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अपने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमने लोकेशन यहाँ पे मेंशन करी और हमारी जो वर्किंग फाइल है हमने उसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन करा। ये आपके पास एक विंडो आ जाएगी, आपको क्या करना है, ओके। और जहाँ पर आपको प्लेस करना है, वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट देके आप उसे प्लेस करो, सबसे पहली चीज, ठीक है। नंबर दो पॉइंट, हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको एक लेयर वाइज करते हैं। लाइक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसका सेक्शन एक अलग लेयर से शो कराएंगे, एक अलग कलर से शो कराएंगे। उसका अगर हम एलिवेशन बनाने जा रहे हैं तो एक अलग कलर से शो कराएंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये आता है, सबसे पहले हम लोग करेंगे एले एंटर। एले का मतलब होता है लेयर। लेयर में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा न्यू लेयर, शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस एन, मैंने क्लिक करा, ठीक है। तो अब लेयर हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या नेमिंग करेंगे उसकी, हम एग्जांपल ले लो, हम लेके चल रहे हैं वुड, ठीक है। एक लेयर हम ले लेते हैं प्लान, एक लेयर हम ले लेंगे एलिवेशन, एक लेयर हम ले लेंगे सेक्शन, एक लेयर हम बनाएंगे, हम क्या क्या चीज़ें देंगे डिज़ाइनिंग में, डिटेलिंग में, वो आपको नोटिस करना है। एक लेयर हम बनाएंगे डिम, दैट मीन्स डायमेंशंस, एक लेयर हम बनाएंगे टैगिंग, मीन्स नेमिंग करना। वर्किंग हमारी प्रोफेशनल लेवल पे इसी तरह होती है, लेयर वाइज हमारी बन गई वुड वर्क की लेयर। अब हम वुड का एक नॉर्मल सा एक कलर हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, जो भी हाईलाइटेड कलर है आपको सेलेक्ट करना है, ओके करना है, जो विजिबल हो वहाँ पे। प्लान, हम जब उसका प्लान बनाएंगे तो प्लान की लेयर हम एक अलग क्रिएट करेंगे, ओके कर देंगे। एलिवेशन, हम जब एलिवेशन पर काम करेंगे तो एलिवेशन का उसका जो लेयर होगा वो हम अलग करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, आप एक सिंगल कलर भी रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे काम होता है, ठीक है। सेक्शन, अगर हम सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो उसकी एक अलग सेपरेट लेयर हम बनाएंगे। डायमेंशंस, किस कैसे हाईलाइट करना चाहते हो, हम डायमेंशंस को एक हाईलाइटेड कलर लेंगे ताकि विजिबल हो प्रॉपर तरीके से, लाइक ये। टैगिंग, उसका नेमिंग कैसे करना चाहते हो, नेमिंग के लिए हम ये कलर चूज़ करेंगे या फिर थोड़ा सा ये, ओके। मैंने यहाँ पर बनाया, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें क्रिएट हो गई लेयर पैनल में, लेयर ऑप्शन में चली गई, मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग किस में डिज़ाइन करेंगे, एमएम में मोस्टली काम होता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ आर्किटेक्चर और इंचेस, मैंने ओके कर दिया। तो अब थोड़ा सा डायग्राम को समझते हैं, ये इसके लेग्स हो गए, ये इसका बेस हो गया, ठीक है। देन एक पैनल ये है, सेंटर वाला पैनल ये है, डबल पैनल हमारा बीच में दिया हुआ है, एंड ये इसके डोर हो गए। तो हाइट हम अप्रॉक्स 7 फीट लेके चलते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वार्डरोब्स एंड डिफरेंट मॉडल्स इन डिफरेंट साइजेस होते हैं मार्केट में। चौड़ाई की बात करते हैं तो पहली चीज़ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हाइट हम लोगों ने एज्यूम कर ली 7 फीट, सिंगल पैनल है, सिंगल पैनल है, अप्रॉक्स हम लोग ले लेते हैं 2 फीट, 2 फीट ये और 2 फीट ये, तो ये छोटा और ये बड़ा लग रहा है, तो 2 फीट ये, 2.5 फीट ये ले लेते हैं और 2.5 फीट सेंटर का ले लेते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं किससे, हम पहले क्या बनाएंगे, कोई भी जब ड्राइंग बनती है तो पहले उसका क्या बनता है, एक लेआउट, उसका एक प्लान, उसके बाद एलिवेशन,
थोड़ा सा अगर हम लोग और डिटेल में जाएं तो इसका जो टॉप पार्ट होगा ना, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल देते हैं। ये होगा, इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे प्लान। टेक्स्टिंग कर देते हैं एंड बोल्ड फॉन्ट हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 7 inches, और कलर हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं डिफरेंट टैगिंग के लिए एंड क्लोज। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, टेक्स्ट छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, क्योंकि इमेज हमने विदाउट डायमेंशंस ली थी। एक और पॉइंट आ गया हमारा कि अगर हम किसी भी इमेज को ओपन कराते हैं, किसी भी इमेज को प्लेस कराते हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइज़ कैसे रखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ऐड हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं साइड में करता हूँ, साइड में मैंने मूव करा लिया। मैं एक रफली आइडिया ले रहा हूँ, मैं कितना लेके चल रहा हूँ, 7 feet, ठीक है, 7 feet की मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये 7 feet लाइन है और ये हमारी इमेज है। तो ऑटोकैड में एक ऑप्शन होता है स्केल, SE एंटर, हमने SE एंटर करा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, एंटर करा, वो हमसे क्या पूछ रहा है, बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं जैसे ही बेस पॉइंट क्लिक करूँगा तो आपको नीचे दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, कॉपी एंड रेफरेंस। मैं अभी कॉपी पे काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसकी कॉपी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेफरेंस। मैं रेफरेंस पे क्लिक कर देता हूँ। अब रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, वो पूछ रहा है आपके टोटल ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी है। तो ठीक है, हम पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, पहला पॉइंट ये ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं। अब जैसे ही मैंने दोनों पॉइंट स्पेसिफाई करे तो नीचे एक और ऑप्शन आ गया कि स्पेसिफाई न्यू लेंथ कि किस ऑब्जेक्ट के बराबर करेंगे। तो मैंने कहा मुझे लेंथ तो नहीं पता है, लेकिन हम पॉइंट पे क्लिक करके बता सकते हैं कि क्या है। मैंने जैसे पॉइंट पे क्लिक करा और अपनी 7 feet वाली लाइन को पॉइंट उसकी लेंथ को मैंने स्पेसिफाई करा, तो ये देखो अब वो इमेज हमारी, मैं ऑर्थो को ऑफ करके जैसे ही यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। और जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो पता नहीं कहाँ चला गया, ये, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे जो मैं डिटेल बताने वाला था यहाँ पे बताता हूँ। तो ये पहले हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें क्रिएट करते हैं, जब भी हम लोग वर्किंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका प्लान नंबर 1। नंबर 2 आते हैं, दूसरा हमें क्या प्रेजेंट करना होता है, दूसरा हमें देना होता है उसका एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स सामने का पार्ट। तीसरी चीज़ हमारी क्या आती है, मे बी मैं बता रहा हूँ लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, तीसरा हमारा आता है साइड व्यू, इसका ये वाला पार्ट, और लास्ट में हमारा आता है एक और पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन। तो प्लान हो गया एंड सेक्शन हो गया, मैं डायमेंशन थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ साइज़, और इसको मैं मैच, अब देखो मैंने इसको चेंज करा तो अब ऊपर की डायमेंशन अलग है और नीचे की डायमेंशन अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक कमांड होता है मैच, एम ए एंटर, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा वो सारे साइज इसके ऊपर अप्लाई हो गए, प्लान सेक्शंस एंड एलिवेशंस एंड साइट साइट व्यू, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ये हो गया, क्लियर हो गया। तो व्यूज हमें क्लियर हो गए कि हमें क्या काम करना है, हमें किस व्यू पे काम करना है और उस व्यू का नाम क्या है, ठीक है। प्लान, टॉप, सेक्शन, कटिंग वाला पार्ट आता है, एलिवेशन सामने का पार्ट, साइड व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है। तो दूसरी चीज़, वर्किंग करने से पहले हमने अपनी लेयर को एक्टिव कर लिया, एंड नंबर 2 हम डायमेंशन को भी एक्टिव करेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में चेक करेंगे कि हमने क्या बनाया है। तो डायमेंशंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्किटेक्चर ले लेते हैं और साइज़ मैं अप्रॉक्स 6 inches लेके चलता हूँ, एरो का साइज़ भी मैं 6 inches ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं 2 लाइनों को हटा देता हूँ, सेट करें क्लोज। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो लाइन बनाई है वो करेक्ट है या नहीं, चलते ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, इस वाले पार्ट, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको ऑप्शन ले लेता हूँ 2.5 feet, मैंने क्या निकाला, फर्स्ट वाला पैनल निकाल दिया, इसको मैं यहाँ से कंबाइन कर देता हूँ, ये पार्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है।
अब आती है सेंटर की पार्ट। देखो किसी भी चीज़ को बनाना तो जो हमें डैप नज़र आ रही है, डैप तो हमें सामने से खड़े होने में दिखेगी नहीं, क्योंकि वो तो प्लेन सरफेस नज़र आएगा ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ 2 फीट, चलो 2 फीट ये मैंने ले लिया। इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। उसके बाद ये वाला पार्ट हमें नज़र आ रहा है 2 फीट का, 2 फीट का हमने ये बना दिया। हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो क्या कि हम डायरेक्टली एलिवेशन पे काम कर रहे हैं। और वर्किंग का प्रोसेस क्या होता है कि पहले बनता है प्लान, उसके बाद बनता है एलिवेशन। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो अब प्लान बनाना कुछ है नहीं, टॉप से देखोगे तो क्या नज़र आएगा इसकी चौड़ाई, ये अगर आप 2, 2, 4, 2, 6, 6.5 फीट, ठीक है, चौड़ाई ले ली और डेप्थ ले लेते हैं 2.5 फीट अप्रॉक्स। ये क्या रेडी हो गया हमारा प्लान, टॉप से देखने में क्या चीज़ नज़र आएगी, सिर्फ यही पार्ट नज़र आएगा। तो हम इसको यहाँ से टैग को कॉपी करेंगे और जहाँ पे हम प्लेस करना है वहाँ पे हम प्लेस कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड प्लान, सिंपल है। हैचिंग करेंगे, हैचिंग में हम वुड का टेक्सचर, क्योंकि वुडन है, हैचिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड में डिटेलिंग में, कि जो चीज़ जो मटेरियल है आपको वही प्रेजेंट करना है। अच्छा, अब इसमें इतने मटेरियल्स शो है नहीं, मैं वुड का ये ले लेता हूँ, नॉर्मली क्लिक कर देता हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, बस फिर मुझे शो करना है। तो ये हमारा वुडन है ना, तो जब ये वुडन है तो लेयर भी हमारी कौन सी होगी, प्लान की होगी ना, क्योंकि प्लान पे काम कर रहे हैं। हमने इसको सेलेक्ट करा, लेयर पे गए, ऑटोमेटिक वुड वाली लेयर आ गई। थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, क्योंकि चीज़ों को जितना डिटेल में दोगे उतना अच्छा लगेगा। तो ये हो गया प्लान। अब बात आएगी एलिवेशन की, और एलिवेशन बनाने का प्रोसेस क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है XL Enter। हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं XL Enter। XL का मतलब होता है रेफरेंस लाइन, एक्सेल का मतलब रेफरेंस लाइन। इससे क्या होता है, हमने एक्सेल एंटर करा, एक पॉइंट ये स्पेसिफाई करा, ऑर्थो ऑन कर लेंगे, और एक पॉइंट हमने ये स्पेसिफाई करा, क्या हुआ, एक हमें विड्थ, एक चौड़ाई मिल गई। हम बिल्कुल प्लान के बेसिस पे काम कर रहे हैं। एक पॉइंट ले लो बॉटम से कहीं पे भी, क्यों, ताकि हम उसका फ्रंट पार्ट डिज़ाइन कर सकें। तो ये हमने क्यों ले लिया, ये हमारा ये पोर्शन निकल आया। मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल हाइट लेके चल रहा हूँ 7 फीट, चलो 7 फीट टोटल हाइट। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, एक पार्ट ये रिमूव कर दूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, और ये जो लाइंस हमारी निकली हैं इनको मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करा लूँगा, मुझे और थोड़ा सा नीचे से लेना चाहिए था ये, और ये क्या बन गया, एलिवेशन। हमने एलिवेशन कैसे बनाया, प्लान के बेसिस पे एलिवेशंस को क्रिएट कर दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं और इसका नाम हम यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं एलिवेशन। उसके बाद हम डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं इसमें। अब आते हैं, तो एक पैनल था 2.5 फीट का, ठीक है, वो हमने ले लिया। दूसरा था 2 फीट का, वो ले लिया, बाकी निकल आया। ठीक है, बॉटम में गैप आ रहा है जी, हम इसको 6 इंचेस ले लेते हैं इसकी बेस सरफेस को। नीचे का पोर्शन हम हटा देंगे यहाँ से, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्लियर है। ऊपर वाला पार्ट आता है 6 इंचेस, हम इसको ऐड कर लो उसी में या कम कर लो, दो में से एक बातें हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, टॉप पोर्शन निकल आया, ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया, और ये अब हमें देने हैं ड्रॉ। तो मैं ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड होता है 6 to 7 inches, 1 to 3, तीन पार्ट है हमारे, तो हम यहाँ पे 6 inches लेके चलते हैं। यहाँ से हमने 6, 1, 2, 3 एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ से रिमूव एंड रिमूव। अब आते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ये दो पैनल यहाँ पे दिए हैं, डबल पैनल दिया है वार्डरोब का। ठीक है, एक बड़ा करा, एक छोटा करा, बड़ा करा है ताकि मिरर उसमें आ जाए, एक छोटा पैनल दे दिए। ठीक, तो साइज़ मैं अभी लेके नहीं चल रहा हूँ, तो अभी हम एक काम करते हैं, सेंटर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मिरर वाली कंडीशन आती है, मिरर की कंडीशन हमारी यहाँ पे अगर आप देखोगे,
हर एक चीज़ डायमेंशन के हिसाब से कि कुछ हाइट दी है इन्होंने, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ 8 inches लेके चलते हैं, ठीक है, और ऊपर से भी वही गैप है हमारा, 8 inches हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और साइड से भी कुछ गैप है, तो चलो थोड़ा सा गैप एज्यूम करना पड़ेगा, 3 inches हम यहाँ से ले लें, 3 inches हम यहाँ से ले लें और एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करते हैं। स्पेस हमारे पास बहुत कम था तो हमने इसमें एडजस्ट कर दिया, छोटा सा पार्ट मिलेगा, देन ये एक्स्ट्रा पार्ट ये और ये इसको हम डिलीट कर देंगे और इसका कोई यूज नहीं है एंड इनका कोई यूज नहीं है। क्लियर है जी सर। अब बात आती है इसके बेस वाले लेग्स की, तो लेग्स के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट सामने से देखेंगे सिर्फ दो ही पार्ट नजर आएंगे, तो ये गैप है हमारा, तो इसको एज्यूम कर लो, ज़्यादा नहीं होगा, 3 इंच ले लो और 6 इंच ले लो, एक बनाओ उसको करा दो मिरर, मिड पॉइंट पकड़ो एक सेंटर में, ठीक है, अब बिल्कुल सेंटर में रखना है, मिड पॉइंट से एक रेफरेंस लो, ठीक है, यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के लिए देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मिड पॉइंट लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट उठाया और ये पॉइंट रखा, इसको हमने डिलीट किया, ठीक है। अब ये मिरर है तो हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा मिरर, तो मिरर के लिए हम एच एंटर करते हैं और यहाँ पे आते हैं तो कुछ पैटर्न देख लेते हैं, एक डैश लाइन होती है लाइक ये पैटर्न लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्केल बढ़ा देता हूँ, दिस इज कॉल्ड मिरर। क्लियर हो गया। तो अब बात आती है इनके बीच की गैपिंग की, इन गैपिंग को हमें मेंटेन करना पड़ता है, अगर हम ये गैपिंग देना चाहें, लाइक अगर आप देखो तो बॉटम से भी गैप है, तभी तो ये ओपन हो गया ना ड्रॉ, एक गैप ये, एक गैप ये, एक गैप ये, तो एक एक साइड से भी गैप ऑब्वियसली हमारा दिया हुआ है, ठीक है, गैपिंग ले लो, इसको मैं 1/2 inch ले लेता हूँ, एक ये, एक ये, दो गैप और एक ये, साइड से भी हमारा, इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ये तो ना गैप आ गए। बात आती है इसमें हैंडल्स कैसे बनाएंगे, तो सेंटर में है हमारे, ठीक है, तो हम ले लेते हैं सेंटर पॉइंट, इसका ट्रैक करते हैं और गैप ले लो, देख लो कितना ले सकते हो, 4 inches इनफ है हमारा पार्ट, देन इसको एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक पार्ट ये रिमूव कर देता हूँ और इन दोनों का मैं एक सेंटर पॉइंट पकड़ता हूँ, ये जो सेंटर की लाइन है वो मिरर की लाइन आ रही है हमारी, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको मैं डिलीट करना भूल गया था। अब मैं 1 inch ले लेता हूँ, अब हो जाएगा 1/2 inch ले लो, 0.5 inch अप एंड डाउन, अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दो और डिलीट कर दो, बिल्कुल सेंटर में हमारा पार्ट निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा बनाऊँगा नहीं, मैं पॉइंट स्पेसिफाई कर लेता हूँ, इसको पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे और मिड टू मिड इसको प्लेस करते चले आएंगे, सेलेक्ट एंड कॉपी, इस मिड से उठाएंगे और इस मिड पे हम प्लेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम डिलीट करेंगे। सो ये रहा हमारा इसका हैंडल का पार्ट, एक पोर्शन ये दिया है, एक पोर्शन ये दिया है इन्होंने, तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी एग्जांपल ले लो, हमें हाइट वगैरह लेनी पड़ती तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक पार्ट तो हमारा ये आएगा, ठीक है, इसी पार्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ, दूसरा पार्ट हमारा आ जाएगा ये, सेंटर में दिया है इन्होंने, तो इसी पार्ट को मैं फिर कॉपी करूँगा, एक पार्ट मैं ले लेता हूँ ये, देन अगेन कॉपी, मिरर भी करा सकते हैं इसको, दूसरा पार्ट मैं ले लेता हूँ, दो पार्ट इसमें है, ठीक है, ये तो लाइन इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये
सामने से, बल्कि ये पोषण हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। आपने गौर नहीं करा, मैंने भी गौर नहीं किया, मिरर वाले पास की तरफ। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन का पार्ट, क्लियर है। अब बात आती है डिटेलिंग की। कुछ लोग क्या करते हैं, एक तो देखो एक एलिवेशन होता है और एक होता है सेक्शन एलिवेशन। सेक्शन एलिवेशन में क्या है कि हम लोग इसमें कुछ GD एंटर करके हम थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, कि ये वुडन है तो हमारा कुछ वुड पार्ट होगा। मोर कलर पे जाओ, यहाँ पे आप वुड का टेक्सचर ले लो, सेम पार्ट यहाँ पे भी लो, पिक पॉइंट जहाँ पे जो है उसको सेलेक्ट करो, पिक पॉइंट ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये एंड इसके मैंने ये फेस को रिलैक्स कर सेलेक्ट करा। एक तो पार्ट ये पार्ट हो गया इसका। अब ये जो लाइंस हैं जो हमने इसमें बेस लाइंस बनाई हैं उनको भी फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कर सकते हो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहो तो कर सकते हो कलर वगैरह ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम टेक्सटिंग के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और तो दूसरा ऑप्शन ये भी है, हम इसी का मटेरियल ला के यहाँ पर प्रेस कर देंगे और टैगिंग कर देंगे। इसकी हम डायमेंशंस निकालना होती है, हमें प्रेजेंट करना होता है कि हाँ हमने जो बनाया है उसके साइजेस क्या क्या हैं। तो डी एंटर करके हम इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज़, काफ़ी बड़ा आ रहा है तो मैं 4 inches ये रख लेता हूँ एंड 4 inches ये रख लेता हूँ। ओके, सेट करंट एंड क्लोज, साइज छोटा हो गया। फिर डायमेंशन पे आए, एक पार्ट हम इसका ये निकाल के देंगे बेस तक और अलग अलग डिटेल इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये ड्राइंग हमारी जाती है वर्किंग के लिए। तो हमको ये शो कराना होता है कि हमारा जो वाटर पर डिज़ाइन हमने जो क्रिएट करा है उसका साइज़ क्या है, क्या क्या साइज़ हमने बनाए हैं। सेंटर का पार्ट इसकी डिटेल हम देंगे, ड्रॉअर की डिटेल देंगे हम, हमने क्या क्या लिया था साइज़। अब इसमें जो साइजेस हैं ये काफ़ी छोटा आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो इसके लिए भी एक ऑप्शंस है डी एंटर करने पे हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वाले चैप्टर को बाद में। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन का पार्ट, क्लियर है। इसके बाद बात आती है किसकी, सेक्शन की। सेक्शन में हमें क्या करना होगा, अच्छा अगर आप कहोगे कि इसका साइड व्यू कैसा नज़र आएगा, साइड व्यू में हमें ये भी मैं अगर आपको बताऊं प्रैक्टिकल साइड व्यू, हमने इसको कॉपी करा। अब साइड व्यू मुझे बनाना है तो मैं इसे करा लेता हूं रोटेट, ये मैंने रोटेट करा दिया क्योंकि हम साइड व्यू बनाने जा रहे हैं। एक्सेल एंटर, एक रेफरेंस ये, एक रेफरेंस ये, बाकी के डायमेंशंस हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, ये साइज़ हमारा सेम होगा, ये वाला साइज भी सेम होगा। साइड से और क्या नज़र आएगा, ये पार्ट, साइड से और क्या नज़र आएगा, ये पार्ट। लेग्स का मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ, ये कितना इजीली बन गया विदाउट ऑफसेट या कॉपी वगैरह करने से। ये डिलीट एंड डिलीट, सो ये हो गया हमारा साइड व्यू। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके ऑर्थो को ऑफ करके वहाँ पे प्लेस कर दूँ। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है सेक्शन। सेक्शन का मतलब हमें, सेक्शन का मतलब हमें काट के बताना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सेक्शन वाले पार्ट में क्या है कि ये तो सामने का पार्ट नज़र आ रहा है, हमें ये बताना होता है क्लाइंट को कि अगर हम सेक्शन यहाँ से काटें, अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ से काटूँ तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। तो आप ये भी देख लो कि सेक्शन लाइन कैसे बनती है। हमने यहाँ से ये बनाया, एक सेक्शन लाइन बनाई और एक एरो हमें शो करना होगा कि किस डायरेक्शन में सेक्शन
काट रहा है, तो इसको मैं एक्चुअली मेरे पास पड़े हुए हैं पहले से, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से बना लेता हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग वाला पार्ट है। इसको मैं यहाँ से पकड़ के मिड टू मिड एंड टू एंड यहाँ मूव करा दूँगा एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से उठा के मैं इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है ना सेक्शन का डिटेल, सेक्शन वाले पार्ट को सिलेक्ट करो, पता भी तो चले ना कि सेक्शन लाइन कौन सी है। सेक्शन हम लोगों ने और क्या क्या लिया था, हम लोगों ने टैगिंग लिया था ना, डायमेंशंस ली थी। तो डायमेंशंस निकालने से पहले हमें वहाँ पे सेट कर लेना चाहिए था, ये हमारा फॉल्ट हो गया, तो मैं बाद में यहाँ पे डाल देता हूँ सारे डायमेंशंस को उसी लेयर पे। किस पे आएगा ये डिम डायमेंशंस, हमने यहाँ पे पहले से क्रिएट करा हुआ था एलिवेशन, तो हम यहाँ पे एलिवेशन वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे एलिवेशन और इसको हम मैच करा देंगे। मैच कमांड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। अब इन केस अगर आप कह रहे हो कि हमने जो लेयर ली है वो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, कौन सी वाली, एलिवेशन वाली, कोई बात नहीं, आप लेयर पे जाओ पहले एंटर करके, वहाँ पे जाके आप दूसरा कोई कलर चूज़ करो और जैसे आप बाहर आओगे वहाँ से चेंज, ठीक है। तो प्लान, साइड व्यू, एलिवेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आती है हमारी सेक्शन की, और सेक्शन के लिए भी हमें यहाँ पे हमें एक रेफरेंस मिल गया ये वाला, तो हम इसको भी कॉपी करेंगे सेक्शन को यहाँ पे, और इस पूरे पार्ट को हम कॉपी करके ले आएंगे यहाँ पे क्योंकि हम एक दूसरा डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये प्लान हो गया और ये हो जाएगा सेक्शन वाला पार्ट। तो सेक्शंस की अगर हम बात करें तो अब हम सेक्शन में क्या क्या करेंगे कि हमने एक इमेज ले ली पहले से, एग्जांपल के तौर पे एक रेफरेंस ले लिया कि हम अपनी वार्डरोब के अंदर क्या क्या कटिंग वाले पार्ट्स शो कराएंगे, तो हम अभी इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, इनका भी कोई यूज़ नहीं है। और थोड़ा सा सेक्शन को हम लोग समझते हैं कि सेक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें देनी है। पहला पार्टीशन हमारा ये है, हमारे पास ये चीज़ नहीं मिलेगी इसमें, लेकिन हमें थिकनेस तो ज़रूर अवेलेबल होगी, हमारे जो बोर्ड होंगे उसके उनकी थिकनेस ज़रूर विजिबल होगी। तो अगर हम क्या क्या चीज़ें आप देना चाहते हो, एग्ज़ाम्पल ले लो, हम डैम लीनियर पे आते हैं, पहले हम चेक करते हैं साइज़ है मेरा 2.5 फिट का, ठीक है। 2.5 फिट का मतलब हो गया कि कितने पार्टीशन दे सकते हैं, मिनिमम 1.5 फिट, 3 फिट तो दे ही सकते हैं, साइज़ हमारे पास लेकिन कम है तो हम छोटे कर देते हैं। 1 फिट का तो हम ये निकाल देते हैं, ये साइड वाला पार्ट एक हम बॉटम में दे देते हैं। तो चलो ठीक है, अगर हम सबसे पहले तो हम इसकी थिकनेस देंगे ये वाली, ठीक है, ये थिकनेस हमारी नज़र आएगी, थिकनेस ले लो, डिपेंड करती है 1 इंच को मैं ले लेता हूँ, एक थिकनेस ये आ गई और एक थिकनेस इधर भी आएगी हमारी, क्योंकि ये सेक्शन है और सेक्शन में बहुत ध्यान देना कि तुम्हारा मटेरियल का साइज़ क्या है, क्या क्या थिकनेस तुम्हें दी है बोर्ड की। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और दूसरा थिकनेस मैं यहाँ से ले लेता हूँ। एक एक फेस पे काम करूँ, इसको मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ, ये पार्टिकल आया। अब क्या देना है, बेस में कुछ कैबिनेट देने हैं, जैसे हम डोर खोलेंगे तो हमारा कुछ पार्ट आएगा, तो देखते हैं अप्रॉक्स 1.5 फिट, देखते हैं कितना साइज़ आएगा, ठीक है 1.5 फिट में मैं ये दे देता हूँ। इसकी बोर्ड की थिकनेस ले लो, या अब इसमें भी चाहो तो पार्टीशन दे दो, बट नहीं देता मैं, ठीक है। ये एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि सेक्शन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हर डिज़ाइन डिपेंड करता है, पहले से ही चूज़ कराता है कि क्या डिज़ाइन रखेंगे उसके अंदर, क्या पार्टीशन होंगे, क्या बोर्ड होगा, क्या थिकनेस होगी, तो एक रफली आइडिया दे रहा हूँ मैं। तो ये साइज़ हमारा क्लॉथ के लिए होगा, ये पार्टीशंस के लिए होगा हमारा, ऊपर इतना स्पेस मेरे पास नहीं है कि मैं स्टोरेज लिए दे पाऊँ, तो मैं एक बार थोड़ा सा ऑफसेट लेके देखता हूँ,
वन फिट का मैं ये ले लेता हूँ, वन इंचेस का ये थिकनेस ले लेता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट हमारा रिमूव हो गया, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हैकिंग वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, लाइन लो, अटैच कराओ एंड ऑफसेट लो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, क्लॉथ के लिए हैंग करने के लिए। बात आती है इनकी, तो एक दो तीन हम तीन पार्ट देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे। मेरे पास सबसे अच्छा एक कमांड है यहाँ पे यूज़ करने वाला, वो कहलाता है डिवाइड, DIV सेलेक्ट थ्री। ईजी रह गया, कैलकुलेशन नहीं करना पड़े हमें, तो कितना पार्ट हम निकालेंगे, कितना साइज हम देंगे इसमें, ऑर्थो ऑन एक ये पार्ट देन एक ये पार्ट। अब DDP टाइप, ये भी एक कमांड होता है जिसमें हम इन जो पॉइंट आ रहे हैं उनको हम ऑफ कर सकें। जैसे हमने ऑफ करा तो अब वो हमारे चले गए सारे सिंपल। इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दो एक्स्ट्रा पार्ट को, और इनकी भी थिकनेस ले लो, तो जो साइज़ आप ले रहे हो आप उस साइज़ का हाफ हाफ अप एंड डाउन ऑफसेट ले लो, इक्वल इक्वल डिलीट कर दो। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट। ठीक है, अब क्या रह गया था, इस साइड वाला पार्ट, तो इसमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और अपने अकॉर्डिंग पार्टीशन ले लेते हैं सेंटर से। साइज हम लोग कितना लेके चल लेते हैं, अप्रॉक्स 1 inches के करीब। ट्रिम, ठीक है, तो बाकी इसमें हम साइज कमी है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हैंगिंग के लिए ही देंगे मोस्टली, क्योंकि एरिया कम है हमारा। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दिया, अब कौन सी हमारी थिकनेस है, अच्छा ये वाला पोर्शन रह गया था हमारा। ठीक है ना, चलो उसको भी हम लोग ले लेते हैं, इसकी भी थिकनेस यहाँ से। डिटेलिंग देखो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी ड्राइंग ही जाती है साइड पर, इसी के बेसिस पे काम होता है, तो इस पर हमें बहुत फोकस करना होता है कि हम कितना कितना आप साइज़ दे रहे हैं ड्राइंग में, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये साइज़ इसको यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। तो अब रही बात इसमें बॉक्सेस वगैरह की, पार्टीशंस की, तो पार्टीशंस तो चलो मैं अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एक डिज़ाइन हो सकता है। मेन थिकनेस लो, तो ये कौन सा पार्ट है, ये सेक्शन का पार्ट है हमारा। ठीक है ना, मैच कराओ फटाफट एम ए से ये एंड सारी लाइन्स। एम ए ये पोर्शन, क्लियर है। सेक्शन एलिवेशन सामने का पार्ट जो हमें विजिबल होगा, सेक्शन जो हमारा कटिंग पोर्शन नज़र आएगा, लेकिन इसमें हम एक फिलिंग भी शो करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब बहुत ज़्यादा साइज़ कम होता है तो वो हैचिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, तो उसको थोड़ा जूम आउट करके हम करेंगे। यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर लो साइज़ को, फिनिश। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है सेलेक्ट 5 फिनिश, कटिंग पोर्शन आ गया। अगेन एच एंटर, सारे ब्लॉक में फिल करो, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, एक थिकनेस हमारी यहाँ पर रहेगी, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये भी आउटर पार्ट हमारा रह गया, ये भी पार्ट रह गया,
लॉक क्लोज कर देता हूँ मैं इतना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कौन सी थिकनेस रह गई उसको भी फटाफट मेंशन करते हैं। ये थिकनेस ठीक है, ऊपर का पार्ट हमारा आ गया, वो कोई थिकनेस ठीक है। अगेन एच एंटर, बाकी पार्ट को फिल करो। जूम आउट कर लो, अगर ये कभी दिक्कत आए तुरंत ड्राइंग को जूम आउट। ये पार्ट, ये पार्ट, ये भी हमारा बुरे नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ। देखो ये दिक्कत कर गया, यहाँ पर लाइन हमारी छूट गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इसमें भी हम देंगे थिकनेस। चीज़ों के बारे में नेट से निकाला करो, समझा करो कि कौन कौन से फर्नीचर हैं, कौन कौन से बोर्ड होते हैं, क्या क्या उनके साइजेस होते हैं, इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो ये रहा हमारा सेक्शन का पोर्शन एक। तो अब बात आती है इसमें, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट करने के सेक्शन का। एलिवेशन हमारा यहाँ पे नाम पड़ा हुआ है, हम नाम चेंज कर देते हैं सेक्शन। और जब हम सेक्शन को प्रेजेंट करते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि सेक्शन नेम, अभी मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं था। होता क्या है कि सेक्शन ए बी या ए ए सेक्शन को भी प्रेजेंट करना पड़ता है, लाइक ए कॉपी करो इसको, सेकंड पोर्शन रिप्लेस करो ए, और हम ले लेते हैं ए डैश। तो अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि सेक्शन कौन सा वाला है, क्योंकि ड्राइंग में बहुत सारे सेक्शन होंगे। तो सेक्शन को हमें यहाँ पे एडिट करेंगे हम ए ए डैश। ये होता है वर्किंग का प्रोसेस, इस तरह हमारा काम किया जाता है। तो प्लान समझ में आ गया, एलिवेशन, साइड व्यू एंड सेक्शन। तो थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं इसको। तो इसके लिए देखो हमारे पास कुछ फाइल्स हमने डाउनलोड करके रखी हैं, उनको कैसे आपको डाउनलोड करना है ये हम बताएंगे आपको। उसमें क्या है, हमारे पास सारे कैड ब्लॉक हैं, जैसे एडीसी पे है ठीक है। आप क्या करते हो, एडीसी में कुछ लिमिटेड कंपोनेंट होते हैं ना, हमारे पास खुद के ब्लॉक हैं। अगर हम ब्लॉक दिखाएं आपको तो ये हमने खुद के ब्लॉक रखे हैं अपने पास। एग्जांपल लो, हम यहाँ पे वार्डरोब का देखना चाहते हैं, टेबल वार्डरोब ठीक है। मैं फाइल खोलता हूँ तो उसमें टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस पहले से हमारे पास रखे हुए हैं ये ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये ब्लॉक निकालना है। तो इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा पहले एक्स एंटर करके, और कितना पोर्शन आपको निकालना है आपने उसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी। हम फाइल पे अपनी वापस जंप करेंगे, कंट्रोल वी साइड में प्लेस करेंगे और स्केल कर देंगे इसको, देन अगेन मूव। और एक मैंने कहा था ना, एक रेफरेंस ले लो, जैसे कि मैं यहाँ से कहाँ तक पोर्शन हमें ऑब्जेक्ट को दिखाना है, मुझे यहाँ तक दिखाना है, तो मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली। इस तरह काम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सेलेक्ट एस सी एंटर, बेस पॉइंट मैंने क्लिक करा, रेफरेंस मैंने क्लिक करा, इसका पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट पे गए, जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसकी मैं टोटल लेंथ देना पड़ा। तो ब्लॉक हम इसमें से क्या करते हैं, सेम है, कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मूव करा लेता हूँ इस पॉइंट से, और ऑर्थो ऑफ करके आपको जहाँ पे रखना है वहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे अभी सिर्फ दो ही पार्ट दिखाऊँगा, तो बाकी के पार्ट हम यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। क्लियर है? तो पता चलेगा इससे हमारा क्या ऑब्जेक्ट है ठीक है। इसी तरह हम इसको यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे एंड सी ओ,
एक बेस पॉइंट देंगे और कहाँ पे हमें देना है वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे पॉइंट ए। सी को हम फिर से कॉपी करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर। तो लाइब्रेरी होने से फ़ायदा क्या हुआ कि चीज़ें हम इजीली प्लेस कर लेंगे। और अगर आप कुछ आइटम्स देखो अगर इसमें जो आपको लगे यूज़ करने लायक हैं तो आप उनको निकाल सकते हो अपने इसमें से, लाइक जैसे कि ये हम देख लेते हैं हमारे पास स्टोरेज है या नहीं है। चलो मैं बॉटम में दे देता हूँ, ठीक है। तो आप चलो इनको ले लेते हैं, सेलेक्ट, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। इनको कंट्रोल सी करना पड़ेगा, फाइल पर जाकर कंट्रोल वी करना पड़ेगा और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करा देता हूँ। देन स्केल करा दूँगा मैं, इसको पकड़ के यहाँ से मूव कराऊँगा, जिस पॉइंट पर रखना है उसको मैं और स्केल करता हूँ। देन अगेन सेलेक्ट, मूव, ठीक है। और कुछ स्टोरेज का आइटम्स वगैरह अगर आपको लगे डेकोरेट करने लायक तो आप कर सकते हो। चीज़ें आपके पास मटेरियल होना इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें भी दिया है प्लान एलिवेशन सेक्शन, हम इसको यूज़ कर सकते थे लेकिन मैंने करा नहीं, फिर वो चीज़ क्लियर नहीं होती, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, ठीक है। और रही बात इसकी, तो इसको एक लास्ट और ले लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके हम कॉपी कर लेंगे। इसमें ज्वेलरी रखी है, हाँ, कंट्रोल सी, नहीं स्पेस हमारे पास नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी फाइल हमारे पास एक और है, उसको भी ओपन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी डिटेल दोगे ड्राइंग अच्छी बनाओगे उतना ही प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी होगी। देखो बहुत सारी चीज़ें हमने कलेक्शन बना के रखा है, जब वर्किंग करोगे आप अपनी, ये देखो आप खुद की चीज़ें भी वहाँ से बना लोगे। तो इसमें मैं शूट्स वगैरह देख लेता हूँ, अगर होगा तो अच्छी बात है। शर्ट्स एंड क्लॉथ, काफ़ी बड़ा दिया हुआ है इन्होंने वाटर का पार्ट, एडी बियर्स, ये आ गया हमारे शूज़ वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी। और कुछ आइटम्स नहीं है, ठीक है। और अपनी फाइल पे आके कंट्रोल वी, ठीक सेम है, इसको मैं यहाँ चढ़ा देता हूँ और यहाँ से इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ, लेयर चेंज कर देता हूँ, जैसी भी रखनी है लेयर चेंज कर लो और स्केल कर लो जितना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट रखना है। इजी जूता आ पाएगा इसमें, एक ये पॉइंट सर एक इसमें रख दो, इसमें रख दो, एक कॉपी ये कहाँ से बना देता हूँ, एक ये ब्रेक पे बस ना से भी हो गया, ठीक है। तो अब बात आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का, हम बताने वाले थे कि डिटेलिंग डायमेंशंस वगैरह हम कल दिक्कत आ रही थी। देखो डी एंटर एक ऑप्शन होता है डायमेंशंस का, और डायमेंशंस में यहाँ पे न्यू पे आओ, आप यहाँ पे ले लो स्मॉल डिम, मतलब कि हम दो डायमेंशंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्राइमरी यूनिट हमारा आर्किटेक्चर है, टेक्स्ट 4 inches है, इसको मैं 3 inches, सिंबल्स को भी हम कम रखेंगे, लाइंस हमारी एक्सटेंशन 1 and 2 यहाँ से रिमूव कर दिया था हमने, अब स्मॉल डायमेंशन पे गए, सेट करंट क्लोज। तो स्मॉल डायमेंशन में क्या है कि हम जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डायमेंशन यहाँ से ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम डी एंटर करेंगे, फिर हम डायमेंशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। प्राइमरी यूनिट हमारी सेट है, टेक्स्ट हमारा 3 inches है, चलो मैं ले लेता हूँ 1.5 inch, एरोज़ का भी साइज़ हम वही रखते हैं 1.5 inch, ओके, सेट करंट क्लोज, परफेक्ट। तो अब हम वही डिटेल शो कराएंगे, देखो सेम है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लॉक सेम है हमारे। हाँ एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये कि ब्लॉक की हाइट हमें देना पड़ेगी ताकि वो हमें बताना पड़ेगा,
अगर ब्लॉक का साइज सेम है आप प्रेजेंट मत करो, जरूरी नहीं हर एक डायमेंशन आपको शो कराना पड़े। इस तरह हमें अलग अलग ब्लॉक का साइज, थिकनेस बोर्ड की देखो सेम ही है, उसको मैं फॉलो उसको मैं नहीं शो कराऊंगा ड्राइंग में, ये भी सेम है छोड़ देता हूँ मैं इसे। हाइट मेंशन करूँगा मैं, सेम हाइट होगी छोड़ दो इसको, बाकी को इसकी डिटेल निकालना इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसका साइज देना इंपॉर्टेंट है, बाकी सेम है हमारे, स्किप कर दो इनको। ये साइज, ये हाइट, हाइट हमारी सेम ही चल रही है, स्किप कर दो। ये ब्लॉक, तो ऐसा नहीं कि बस लिए डायमेंशन और हर एक चीज़ की मेंशन करते चले गए, होस्ट पोस्ट करती ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा इसमें, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सेम हाइट है छोड़ दो, सेम ब्लॉक है, ये हमारा छोड़ रखा था हमने एक्स्ट्रा पार्ट, इसकी साइज मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, हाइट एक्स्ट्रा ये हमें मेंशन करना है, टोटल हाइट ये मेंशन करना है, क्लियर है। लेग्स इम्पोर्टेंट है, मेंशन करना पड़ेंगे हमें इसमें, बाकी के सेम ही होंगे लेकिन इनकी डिस्टेंस तो मेंशन करना पड़ेगी हमें, वो तो हमें डिफरेंट हो सकती है ना, वो तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट भी हमें मेंशन करना है। तो अब बचा क्या था कि ये जो डायमेंशन थी, मैंने वही गलती कर दी ना कि लेयर में हमने काम नहीं करा, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, डिम वाले को एक्टिव करना चाहिए था पहले। पर अगर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आपके पास एक शॉर्टकट है क्या, मैच, आप हर एक डायमेंशंस को मैच करा देंगे इसको। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोसेस। मोस्टली क्या होता है कि लोग एक्सटीरियर पे तो काम करते हैं लेकिन इंटीरियर पे नहीं पता होता है कि उसका सेक्शन हमें कैसे काटना है, चाहे वो वार्डरोब हो, चाहे वो अलमीरा हो, चाहे वो आपका किचन कैबिनेट हो, टीवी यूनिट हो, वो आपकी बेडरूम का सेक्शन एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे आगे हम। तो अब हमें डिटेल में क्या करना है, हम एक ब्लॉक बनाएंगे कि ये हमारा पार्ट एक अलग सेपरेट है सेक्शन का, ठीक है, किस पे, ये हमारा एलिवेशन है, हम इसको एक अलग ब्लॉक बना के रखेंगे साइड में। ये ब्लॉक हमारा हो गया प्लान और एलिवेशन का। देन एक और ब्लॉक बनाएंगे हम यहाँ पे, वो आ जाएगा साइड व्यू, इसको हम यहाँ से मूव कराएंगे, ये साइड व्यू आ गया, और इसका लेआउट हम यहाँ से उठा के कॉपी कर देंगे ताकि हमको पता चले कि हमें इसी के रेफरेंस से इसको डिज़ाइन किया है। इसको मैं यहाँ से ऐसे मेंशन करता हूँ, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर देता हूँ। इन ब्लॉक्स को भी अलग कलर से हम प्रेजेंट करेंगे, कुछ तो ये हो गया हमारा डिटेल ड्राइंग का काम, एक प्रॉपर वे में सेक्शन रेफरेंस, प्रॉपर वे में प्लान एंड एलिवेशन एंड प्लान और साइड व्यू, और इसका एक रेफरेंस इमेज हमारा ये आ गया साइड में। अब बात आती है देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि हमने जो बनाया है, हमने जो डिज़ाइन करा है वो क्या है, वो किस मटेरियल का है, ये भी हमको देना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस आपने डिज़ाइन करा, डिज़ाइन करके थमा दिया, आपको देने बताना पड़ेगा, माइका है, वीनियर शीट है, बोर्ड है, बोर्ड कौन सा है हमारा। ज़्यादा नॉलेज के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सर्च कर लो, ये उन लोगों के लिए होता है जो अभी इंटीरियर में थोड़ा सा बिगनर है, उनको नहीं पता है, ठीक है, कि कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, अगर हम यहाँ से ले लेंगे एग्जांपल, अगर हमने यहाँ से एक आइडिया ले लिया तो वही डिटेल हम अपने ड्राइंग में भी मेंशन करेंगे। अगर आप ऐसे काम करोगे ना तो आपको क्या होगा, चीज़ें समझ में आएंगी, पहली चीज़ नॉलेज होगी मटेरियल की, नॉलेज होगी बोर्ड की आपको, कि कौन कौन से बोर्ड क्या क्या यूज़ होते हैं, अलग अलग यहाँ पे देखो दिया हुआ है साइज़, ग्लास, वार्डरोब शटर मटेरियल ग्लास, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वाटर फिटर मटेरियल, वीनियर शीट, ये देखो वीनियर पे हमारा पूरा डिज़ाइन करा गया है, ठीक है,
दूसरा आते हैं वाटर रिफ्लेक्टर मटेरियल मिरर पैनल, ठीक। इस तरह डिटेल आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको ये नहीं पता कि वार्डरोब के साइज क्या क्या होते हैं। वार्डरोब बोर्ड थिकनेस आप सर्च कर लो, क्योंकि हर बोर्ड की अलग अलग होती है। कलर कौन सा होता है? वाइट एंड ब्राउन, दो। प्लाईवुड की थिकनेस होती है 10 mm, आल्सो अवेलेबल इन 4 mm, 6 mm, 8 mm, 19 mm। अपीरियंस मॉडर्न, वारंटी 5 years। अब ड्राइंग में हमने क्या मेंशन करा कि थिकनेस है 4 mm, कलर ब्राउन, किस कंपनी का है वो मेंशन करना है अपनी ड्राइंग में। तो इस तरह जब काम करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि हमें काम कैसे करना है। तो एक छोटा सा पार्ट हमारा यही था कि सेक्शन एलिवेशन पे कैसे काम करा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें एक टीवी यूनिट हमें कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, टेबल एक नॉर्मल से ले लेंगे, ऑफिस टेबल हमें उस पर कैसे काम करना होगा।